हेलो हाय एवरीवन माय नेम इज सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ़ द पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल एंड देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रॉसीयू का जो जनरल विल का डिस्कशन हम कर चुके हैं विल बी डिस्कसिंग एन अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रॉसीयू दैट इज़ हिज़ थ्योरी ऑफ इनइलिटीज़ थ्योरी ऑफ इनक्वालिटीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे देखिए वैसे तो रॉसी यू हमारे सिलेबस का टॉपिक ही नहीं है राइट बट एक बार सवाल रॉसी यू की थ्योरी ऑफ जनरल विल पे पूछा गया है एंड तब से जनरल विल तो हम लोग पढ़ते हैं बट आई फील दैट हम लोग को इसकी थ्योरी ऑफ इनक्वालिटीज़ को भी पढ़ना चाहिए राइट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुछ तो हमें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ही सेकेंड देखिए जो इसकी थ्योरी ऑफ़ इनक्वलिटीज़ है ये हम और जब हम पोलिटिकल साइंस के आंसर्स लिखेंगे तो हम इसको यूज़ करेंगे राइट एंड ईवन वाइल्ड राइटिंग एंड एस ए अगर आप देखेंगे तो एस ए सोशल जस्टिस पे हर साल ही ऑलमोस्ट पूछा जाता है तो वहाँ पर भी आप रॉसीयू की थ्योरी ऑफ इनिकवलिटीज को पढ़ेंगे इसको वहाँ पर स्टडी करेंगे राइट right? तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इसको हम लोग ऐसे कवर करेंगे राइट right? कि इसको ईवन आप जी एस के आंसर्स में भी लिख पाएंगे एंड आई एल बी टेलिंग यू हाउ ठीक है तो जी के आंसर्स में भी लिखेंगे अगर कल को कुछ भी आ जाता है राइट right? कल को कुछ एथिक्स में पूछ लिया जाता है सोशल जस्टिस सोशल ऑर्डर के बारे में तो भी हम रॉसीयू को मैंशन करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपका पी एस आई आर में आए तो आएगा ही बट एस में आता है तो एस में भी आप रॉसीयू की जो थ्योरी ऑफ इनिक्वालिटीज़ है इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रॉसीयू का आज ये डिस्कशन तो सेकेंड टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे इन रॉसीयू दैट विल बी हिज थ्योरी ऑफ इनिक्वालिटीज़ राइट तो यहां पे सबसे पहले आप रोसियो का जो एक वर्क है वो आपको पता होना चाहिए राइट एंड हिज वर्क जहां पे ये कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने दैट इज कॉल्ड एज डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ डिस्कोर्सेस लिख देता हूं मैं ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटीज राइट डोंट वरी इसको नोट मत बनाओ ठीक है आई विल बी गिविंग यू ठीक है डिस कोर्सेज ऑन द नोट ऑफ दिस कोर्सेज ऑन द ओरिजन ऑफ इन इक्वालिटी एंड इस पर्टिकुलर जो वर्क है ठीक है उसमें रॉसियो ने इनक्वालिटी के बारे में बताया अब यहाँ पर एक चीज़ समझो ठीक है हमारे सिलेबस में ठीक है रॉसीयू नहीं है बट हमारे सिलेबस में मेरे भाई इक्वलिटी का टॉपिक मैंशंड है हाँ है ना हमारे सिलेबस में मेरे भाई जस्टिस का टॉपिक मैंशंड है हाँ है ना ठीक है और अधिकतर बच्चे इक्वालिटी जस्टिस को हम लोग कब पढ़ते हैं अमर्त्य सेन में पढ़ते हैं हम लोग जॉन डॉल्स पढ़ते हैं समझो ये सब भी थिंकर्स हैं ठीक है बट फर्स्ट टाइम किसने बात करी थी इनक्वालिटीज़ की क्या फर्स्ट टाइम जॉन डॉल्स ने बात करी थी क्या क्या फर्स्ट टाइम अमर्त्य सेन ने बात करी थी क्या नहीं रॉबर्ट नॉजिक ने बात करी थी क्या नहीं ये सब तो बहुत बाद में आए राइट right. तो फर्स्ट टाइम जो इनक्वालिटीज़ की बात करते हैं एंड स्पेशली सोशल इनक्वालिटीज़ की बात करते हैं वो रॉसीयू ही है ट इज वाई हम इसको पढ़ना जरूरी है अब समझ में आया हम क्यों पढ़ रहे हैं देखो फर्स्ट टाइम कंप्लीट थ्योरी ऑफ सॉवरिनिटी की कौन बात करता है फर्स्ट टाइम थ्योरी ऑफ कंप्लीट सॉवरिनिटी की बात करता है हॉब्स राइट इसीलिए हम पढ़ते हैं याद करो हाँ है ना फर्स्ट टाइम हाँ, आप देखोगे सेक्युलरिज्म एंड एंड स्टेट से और उसके जो आपका चर्च है वो अलग होना चाहिए कौन बात बात करता है मैकेविली हाँ है ना फर्स्ट टाइम आप कह सकते हो लिबरलिज्म को वाइडर सेंस में आप कह सकते हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक पॉजिटिव वे में कौन इंटरप्रेट करता है लॉक हाँ ना फादर ऑफ लिबरलिज्म हाँ है ना फर्स्ट टाइम सिमिलरली क्या होता है इनिक्वालिटीज़ के बारे में कौन बात करता है वो बात करता है आपका रोसीयू एंड लेटर ऑन हम देखेंगे इसी के बाद ही फिर लेटर ऑन और वेलफेयर की ओर जाते जाते जे एस एम एल एंड वगैरह वगैरह थिंकर आते हैं देट इज़ वाई जो इनक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो रोसीयू से लिंक किया जाता है प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ इफ़ एनी वन हैज़ एनी डाउट्स तो पूछ सकता है बट आई डोंट फील कि अभी होना चाहिए ठीक है मैं हमेशा आपको बताता हूँ हर एक थिंकर की एक स्पेशलिटी होती है जिसकी वजह से हम उसे पढ़ते हैं कोई बीच में एक बात बताओ क्या सिर्फ ये पाँच दस ही थिंक करे क्या हमारे सिलेबस में नहीं हमारे सिलेबस में अगर देखा जाए तो इनफाइनाइट थिंकर्स हैं बट सिर्फ हम कुछ को ही क्यों पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम कुछ करा एवरी थिंकर इज़ अ फादर फादर ऑफ़ आइडियलिज्म फादर ऑफ़ रियलिज़्म फादर ऑफ़ यू कैन से सोशल कॉन्ट्रैक्ट फादर ऑफ़ सॉवरिनिटी सिमिलरली रॉसीयू ने इन पे बहुत अच्छे से बताया था ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने एक्चुअली में इन को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ सोशल ठीक है सोशल आप कह सकते हो पैरामीटर एंड दैट इज़ वाई वी स्टडी द रॉसीयू एनालिसिस ऑफ इन इक्वालिटीज डन डन ठीक है डन यहाँ तक क्लियर है ठीक है तो अब क्या कॉन्सेप्ट है रॉसीयू ने दिया इसको यहाँ पे समझते हैं तो अभी तक क्या होता था जितने भी थिंकर्स आते थे राइट दे वर प्राइमरिली गोइंग और यू कैन से दे वर प्राइमरीली सपोर्टिंग द नेचुरल इनइवालिटीज ठीक है इनफैक्ट नेचुरल इनइलिटी को ही ये लोग सपोर्ट करते थे या आप कह सकते हो अपोज करते थे जैसे अगर अगर अभी आप देखो तो हॉब्स लॉक दे डिड नॉट बिलीव इन सच काइंड ऑफ नेचुरल इनइलिटी बट इनक्वालिटी को बेसिकली डील किया जाता था नेचर से ठीक है अब इनक्वालिटी नेचर से कैसे है इसको आप समझो इनइलिटी नेचर से ऐसे है कि भाई दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स बाय बर्थ फॉर एग्जाम्पल बाय बर्थ लेट अस से समन इज बॉर्न विध सम काइंड ऑफ एक्स वाई जेड डिजीज सो कैन आई से एक नेचुरल डिसबिलिटी है कैन कहना है नैचुरल इनक्वालिटी है बिल्कुल तो अभी तक जितने भी थिंकर्स थे जो अगर इनक्वालिटी वगैरह पे फोकस कर भी रहे थे दे देवर जस्ट कंसर्नड विद द नेचुरल इनक्वैलिटी ठीक है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड इन टर्म्स ऑफ यू कैन से कैरेक्टर ठीक है इन टर्म्स ऑफ द स्किन कलर ठीक है इन टर्म्स ऑफ सेक्स ठीक है इन सब पे वो लोग बात कर रहे थे हाँ है ना ठीक है इस टाइप की वो बात कर रहे थे डन दिस वॉज नैचुरल इनक्वालिटी बट रॉसीयू नाउ इंट्रोड्यूस्ड अन अदर फॉर्म ऑफ इनइवालिटी एंड फ्रॉम नेचुरल इनक्वालिटी ही शिफ्ट हिज फोकस टू वॉट इज़ कॉल लैस कन्वेंशनल form of equality conventional form of equality is the equality which is a product of our society which is a product of our civilizations hai na okay starts to focus from natural inequality he he starts to focus from natural inequality to conventional equalities conventional inequalities right

ही गिव्ज द फाउंडेशन ऑफ वॉट इज कॉल्ड एस सोशल जस्टिस ठीक है नेचुरल जस्टिस नहीं हो पारा समझ में आ रहा है बाय बर्थ इफ यू आर बॉर्न विथ एक्सवाइजेड डिजीज एक्सवाइजेड ऑर्डर ठीक है दैट इज चलो समझ में आता है यू कैन से डोमेन ऑफ द नेचुरल इन इक्वालिटी बट वॉट अबाउट कन्वेंशनल इन इक्वालिटी हाँ है ना बेस्ट एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू नेचर में लेटर से देर आर टू काइंड ऑफ पीपल one are born black in color right one are born black in color and the other let us say they are born white in color right now being born black being born white it is natural inequality high enough it is natural inequality right but 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 if those with

नेचर ह्यूमन ने कराए यार इट इज डन बाय सोसाइटी इट इज डन बाय दोशल ऑर्डर राइट एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन डिजाइन सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल इनइक्वेलिटी हा है ना वेर एज ऊपर वाला सम मैन आर बॉर्न ब्लैक सम मैन आर बॉर्न व्हाइट ठीक है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इनइक्वेलिटी ठीक है ठीक है सम मैन आर बॉर्न ब्लैक सम मैन आर बॉर्न वाइट दैट कैनॉट बी ऑल्टर ठीक है बट सेकेंड केस में आप कन्वेंशनल इनइवालिटी है इसको तो ऑल्टर कर सकते हो बाय चेंजिंग योर सोशल सिस्टम आप अपने सोशल सिस्टम आप अपने सोशल ऑर्डर को चेंज करो तो डेफिनेटली क्या होगा डेफिनेटली आप कह सकते हो कि द कन्वेंशनल इनक्वेलिटी विल बी राइट? सो दैट इज वॉट इज द एजेंडा ऑफ रोसीयू अ क्रिएशन ऑफ सोशल ऑर्डर दैट एम्स To alter these social inequalities, these alterable inequalities, which are a product of society, which are a product of human design, and this is what, when these are altered, it leads to the establishment of what is called as social justice. Social justice, right? So this is what Rossiu is aiming. अब समझ में आया लॉजिक क्या है वॉट इज द की पॉइंट जहाँ पे रोसियों की फिलासफी जा रही है तो देख रहे हो ही इज द फर्स्ट पर्सन राइट ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दीज कन्वेंशनल इनक्वालिटीज इन इक्वालिटीज के बारे में लोगों ने बात करी है उससे पहले भी हॉब्स एंड ऑल दैट द ट्रीट मैन इक्वल राइट ठीक है बट फ्रॉम नेचुरल इनईक्वालिटी ये बंदा वाइडन कर रहा है ही इज वाइडनिंग द स्कोप ऑफ वॉट

न सेट्स विच प्रिवेंट्स द द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रिसोर्सिस राइट ठीक है इन देंड्स ऑफ जस्ट फ्यू राइट जिसकी वजह से ये जो इनइवालिटीज है वो राइज होती हैलिटीज राइज वाई डू इन इक्वालिटीज राइज बिकॉज ऑफ द फैक्ट सम पीपल ओन वेर एज समीपल डोंट ओन राइट तो दिस इज Uh, this is how he's trying to build an order right he's trying to create a social order which enables especially the underprivileged section to gain a respectable share of those resources right to live a life of dignity okay? and that is why <coughs> we say that in the history of social and political thought rousseau was the first to analyze the prevailing inequalities in

क्या सोशल इनजस्टिस सो, क्या सोशल इनक्वालिटी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी क्या रॉसीू से पहले करती थी सर बिल्कुल करती थी बट सोशल इनक्वालिटी इज देअर टर्म्ड एज देवर देवर मास्ट एज नेचुरल इनइवालिटी नेचुरल इनइक्वालिटी में हम लोग इनको रखते थे वी डिड नॉट सेपरेटली एनालाइज देम हम बिलीव वी बिलीव यार स्लेवरी इज नेचुरल रिमेंबर रिमेंबर वॉट रिमेंबर कौन एरिस्टॉटल क्या बोलता था वो स्लेवरी इज नेचुरल स्लेवरी इज जस्ट स्लेवरी इज यूजफुल ये स्लेवरी क्या है क्या स्लेवरी नेचुरल होती है क्या खुद दिमाग लगाओ स्लेवस क्या पहले से ही भगवान ने बना के भेजा कि ये लो पुत्र तुम पहले बंदे हो तुम स्लेव ही हो नहीं स्लेवस ह्यूम्स ने क्रिएट किए हैं राइट एंड दैट इज वाई वी से दैट बिफोर रॉस यू ऑल सोशल इनइक्वालिटीज व प्लेस्ड इन द इन द सेम कैटेगरी ऑफ द नेचुरल इन इक्वालिटी they were they were considered to be unalterable unalterable thi, right and it was Rossiu who, who made a very good distinction between the natural inequality and the conventional inequality and uh, that led to the conclusion that some were certainly alterable in fact in fact what in the with the with the you can say uh, progress with the progress In terms of science, modernity, right, technology, can I say even natural inequalities can be alterable, can be altered. Yes, my dear friends, it can be altered. आपकी हाइट छोटी है? There are uh, genetic injections जो आप low DNA वगैरह में changes आपकी हाइट बढ़ जाएगी. ठीक. अगर आपका कलर fair है, कलर black है, if you want to become fair, there are plastic surgeries.

एंड जब वो सडनली इतने कम हो गए तो उनको नाम लगाया ना है कि सर आपने ये यूज़ है वो यूज़ करा है ना तो इन टाइम्स टू कम क्या हो रही है इनक्वालिटीज कम होते जा रही है तो वी आर ऑन द वर्ज़ कि आज हम नेचुरल इनइलिटीज़ को भी कम कर सकते हैं राइट right? तो ये यहाँ पे ध्यान रखना ठीक है दिस इज़ वॉट रॉस यू इज़ टॉकिंग अबाउट सोशल इनक्वालिटी एंड वी शुड इंश्योर वी शुड क्रिएट सच एन ऑर्डर सो दैट यू कैन से

So, it is this control over the nature, right, which led to the category of you can say the haves and the haves not, right, which led to the concept of what is called as mine and thine, ye mera hai, ye tera hai. Hai na? which led to the, pro concept hai na? the concept of private property, the concept of private property, and this.

दीज आर अज आर अ प्रोडक्ट ओवर द फिनना ऑफ द कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर ठीक है याद रखना है? इनकी बुक का नाम क्या है डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इन इक्वालिटी इसमें यह बताया जाता है याद रखा ठीक है सो रॉसी यू बिलीव दैट लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज यू कैन से वेरी पीसफुल राइट मैन डिड नाट हैव टू थिंक दैट मच And जब ये रीजन डेवलप होता है जब ये आप कह सकते हो सोफिस्टिकेशन डेवलप होता है टेक्नोलॉजी डेवलप होती है देन स्टार्ट वॉट यू कैन से सफ़रिंग, द राइज ऑफ इनइलिटीज राइट तो इसीलिए रोसीयू कहता है कि वैन दिस सिविलाइजेशन इज फॉर्म्ड वेन दिस सिविल सोसाइटी इज फॉर्म्ड राइट देन यू कैन से यू कैन से लाइफ बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे इसको देखो स्टेट ऑफ नेचर है यहाँ पे एंड यू कैन से फ्राम सिव स्टेट ऑफ नेचर टू स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन ठीक है क्या डिफरेंस आता है वॉट इज़ द डिफरेंस अगर मैं बात करूँ तो स्टेट ऑफ नेचर में थी आपकी स्मॉल पॉपुलेशन थी राइट द पॉपुलेशन वॉज वेरी वेरी स्मॉल जबकि यहाँ पर क्या है पॉपुलेशन राइज होती है तो लार्ज पॉपुलेशन आपको दिखाई देती है राइट सिमिलरली यू कैन से दे वॉज नेचुरल रिसोर्स व अबंडेंट ठीक है जबकि यहाँ पर क्या है स्कैसिटी है स्कैसिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज राइट यू कैन टॉक अबाउट दे वॉज नो नीड ऑफ़ दैट काइंड ऑफ हार्ड लेबर थोड़ा बहुत कर लिया टहलाए थोड़ा बहुत मन करा तो कर लिया राइट तो नो नीड ऑफ़ दैट हार्ड लेबर दैट कॉम्पिटिशन वाला एंड आज देख लो कुत्ते की तरह लोग पढ़ रहे सिविल सर्विस के लिए हाँ है ना ठीक है बारह घंटे चौदह घंटे हाँ ना बिल्कुल ठीक है तो आज वो रेट रेस हो गई हो रही है नहीं अबे हो रही है तुम भी इसका पार्ट हो बुरा मत मानो ठीक है यू ऑल्सो स्टडी ठीक है दिस इज कॉम्पिटिशन ठीक है रोशियो की बात मत सुनो ठीक है अल्टीमेटली मैं भी इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हारा ये निकले क्या जोक सपाट ठीक है फिर देर वॉज नेचुरल इनक्वालिटीज ठीक है यहां क्या है कन्वेंशनल इनक्वालिटीज है हाँ है ना ठीक है अरे हाँ बिल्कुल कन्वेंशनल इनक्वालिटी सोशल ऑर्डर जब डेवलप होता है ठीक है फिर यहां पे क्या थी नेचुरल लिबर्टी थी ठीक है अब यहां पे क्या है यहां पे आएगी आपके पास सिविल लिबर्टी अभी हम बात करेंगे सिविल लिबर्टी आएगी हाँ ना? है ना ठीक है फिर यहां कह सकते हो अ, फ्रीडम हु वॉज हु वॉज रूलिंग नेचर वॉज गॉड ठीक है नेचर वॉज द अल्टीमेट यू कैन से प्रोवाइडर तो नेचर को गॉड आप मान सकते हो जबकि यहाँ क्या है लॉ लीगल स्टेट मैन शुड बी फोर्स टू बी फ्री इज द गॉड हाँ है ना तो so, यहाँ पे एवरीथिंग इज डिटर्माइंड बाय नेचर ठीक है यहाँ पे क्या है एवरी थिंग इज डिटर्माइंड बाई द प्रोडक्ट ऑफ द लेबर हाँ है ना ठीक है लेबर का प्रोडक्ट है ठीक है प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ लेबर बाई लॉज बाई लीगल तो ये सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो गई डन तो ओरिजन देखिए हमने सोशल इनिक्वालिटी से कैसे होता है क्या होता है रॉसियो ने सारा बता दिया अब लास्ट क्वेश्चन मैंने रॉसियो से पूछा मैंने कहा रॉसियो भाई सॉल्यूशन भी बता दो फिर जब तुमने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है प्लीज डियर अ रॉसियो टेल मी व्हाट इज द सॉल्यूशन हाउ कैन आई रिमूव दीज सो कॉल्ड एज कन्वेंशनल इनिक्वालिटीज बता दे गुरुदेव कुछ तो बताओ तो रॉसीयू सेस की देखो यार <coughs> अपनी जो किताब है ठीक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है उसमें ही अब बताता है तो रॉसीयू कहता है कि देखो यार वैसे इफ यू आस्क मी तो आई विल से गो बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर राइट गो बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर कहानी खत्म ठीक है नेचुरल इन वो तो ठीक है ठीक है किल यू कैन से ऑल दिस इराडिकेट दिस स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन बट रॉसीयू नोज इट कि भाई दिस इज नॉट पॉसिबल ये रियालिटी में तो होने से ना इट इज नॉट पॉसिबल ठीक है तो क्या करें ठीक है तो क्या करें सो ही रियलाइजेज दैट हिज प्रपोजल ऑफ रिटर्निंग बैक टू नेचर यह भी इसका स्टेटमेंट है रिटर्न टू नेचर ठीक है याद रखना रिटर्न टू नेचर जो उसने दिया था रोसियोग कोटे ठीक है <coughs> ये इन्होंने जब अर्लीयर दिए थे अपने डिस्कोर्सेज तो दिस इज नॉट फीसिबल सो क्या करें ठीक है सो इस बिल्ड अ न्यू सिविल सोसाइटी लेट्स बिल्ड अ न्यू सिविल सोसाइटी विच इज ऑब्वियसली द प्रोडक्ट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी इसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्या होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही क्या होगा मेरे भाई जो सोशल इनक्वालिटीज कन्वेंशनल इनक्वालिटीज है वो हटाई जाएंगी ओके समझो ठीक है

यानी एवरी मैन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ एवरी मैन इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ राइट एंड इपेक्टिव ऑफ कुछ भी नेचुरल डिफरेंस हो जो यहाँ पे हो नेचुरल इन कुछ भी हो बट यू विल बी ट्रीटेड इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ सिविल लिबर्टी जो है ठीक है वो क्या है वो लीगल इक्वालिटी होगी ये यहाँ पे ध्यान रखना ठीक है एंड इसीलिए रोसी यू क्या करता है कि ही यू कैन से टॉक्स अबाउट इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ

अब जो लेबर करेगा जो मेहनत करेगा जो कमाएगा उनके प्रोटेक्शन स्टेट देगा प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ लेबर बाय द लीगल लॉस ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है मैन दे एंटर इंटू अ सिविल सोसाइटी थ्रू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये यहाँ पर ध्यान रखना ठीक है वहां सबको लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा दे विल बी लीगल इक्वालिटी राइट एंड नो यू कैन से इंडिविजुअल विल बी डिप्राइब्ड ऑफ एनी ऑफ हिज नेचुरल राइट तो इस तरीके से क्या मिलता है उसको एक सिविल लिबर्टी मिलती है राइट uh, right? उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है उसके लेबर का राइट right? लेबर का प्रोटेक्शन वॉट ही इज़ ट्राइंग टू वॉट एवर इज़ ट्राइंग टू वर्क हार्ड एंड अर्न राइट एंड सोशल जस्टिस की यहाँ पर बात चलती है ठीक है तो इस तरीके से रॉसीयू का uh, अगर आप देखो ओवरऑल एनालिसिस की बात करो ठीक है इतना डीप नहीं जाएंगे ठीक है रॉसीयू का ओनली ओवरऑल एनालिसिस की बात करो सो ही इज़ ट्राइंग टू चैलेंज द द यू कैन से बिलीव्स ठीक है trying to challenge the earlier beliefs of natural inequality the social inequality which was disguised as natural inequality right and uh, um, the europeans whatever, they have promoted this social inequality right and and you can say they were trying to they were trying to uh, you can say uh, they were trying to exploit right the tribes of africa the tribes of america right ठीक है दे वर दे वर ट्राइंग इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से प्रोग्रेस रीजन टॉक्स अगेंस्ट दिस याद रखना ठीक है ही दैट इन 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 द द द नेम 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 ऑफ 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 यू यू कैन कैन से से एनलाइटनमेंट प्रोग्रेस ठीक है आपने क्या करा है यू हैव एक्चुअली ट्राइंग टू सबड्यू वर्ल्ड थ्रू वायलेंस राइट एंड इसी चीज को आप बोल रहे हो अचीवमेंट इसी चीज को आप बोल रहे हो क्या इसी चीज को आप प्रोग्रेस बोल रहे हो राइट सो प्लीज रिमेंबर दिस तो इसीलिए कहा जाता है दैट इफ यू वॉन्ट टू रिमूव द सोशल इनक्वालिटी देर हैज टू बी अ सोशल चेंज ठीक है देर हैजू बी अ चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर ठीक है एंड दिस चेंज की ही बात रॉसीव करता है थ्रू द रीनेगोसिएशन और वॉट इज कॉल्ड एज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये इसको एम करता है ऑलवेज रिमेंबर दिस राइट सो दैट इज वाई वी स्टडी रॉसीव

सो आई होप आपको ये शॉर्ट सा एक समझ में आया होगा एंड काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया है काफ़ी कॉम्पैक्ट वे में डिस्कस किया है तो देखिए बहुत सारा बट अगेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रॉसी यू भी सिलेबस में नहीं है सेकेंड रॉसी यू के जनरल बिल पर ही क्वेश्चन है तो सोशल इनजस्टिस हमने यहाँ पे कवर एक एक्स्ट्रा पॉइंट कर लिया कुछ तो देखिए एज होना चाहिए नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ विल बी यूज इंग दिस हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं वेयर कैन बी यूज़ दिस फर्स्ट यू कैन यूज़ दिस वाइल राइटिंग ऐसे अगर ऐसे में आता है इनकॉलिटीज़ वगैरह पे सोशल जस्टिस वगैरह पे एंड इफ़ यू हैव टू राइट तो अधिकतर बच्चे मैक्सिमम मरत हसैन को लिखेंगे थोड़ा बहुत जॉन रॉल्स को लिख देंगे ठीक है थोड़ा पॉलिटिकल साइंस वाले अगर आगे बढ़ेंगे तो नॉजिक को लिख देंगे ठीक है बट यू कैन स्टार्ट ऑफ इट रॉस यू राइट मैन इज बॉर्न एवरीवेयर मैन इज बॉर्न फ्री एवरीवेयर बट इज इज इन चेंज एवरीवेयर तो क्या है ये चेंज ये ऑल दीज चेंज आर वॉट यू कैन से सोसाइटी ने लगाई है so सो ही इज अगेंस्ट द सोशल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर की वजह इस ही इज द रूट कॉज ऑफ सोशल इनजस्टिस ठीक है और इसी से ही कभी हम सोशल जस्टिस की ओर मूव करते हैं सो so, रॉस्यू को जरूर आप लिखें ठीक है राइट अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्लैक्स एंड द वाइट्स विच आई गेव यू ब्लैक्स एंड वाइट डोंट नीड टू डिफाइन सोशल इनजस्टिस जस्ट गिव एन एग्जाम्पल ठीक है दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल इनजस्टिस राइट वेयर द सोशल ऑर्डर इज नॉट ट्रीटिंग एवरी वन इक्वली राइट इससे आप लिंक करके लिखें देन समटाइम्स इन एस एफ इट कम्स इन इन एथिक्स इफ इट कम्स राइट सो यू कैन ऑलवेज कंक्लूड ऑन ऑन द लाइन्स ऑफ रॉसीयू दैट ही वॉज दन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू टू दिस डिंग्विश बिटवीन नेचुरल इनइक्वालिटीज एंड सोशल इनइक्वालिटीज राइट ये लिखा जा सकता है राइट इन इन पॉल साइंस कहां लिखोगे पॉल साइंस में रॉसीयू में नहीं आएगा क्वेश्चन बट पॉल साइंस में क्वेश्चन आएगा सोशल जस्टिस पे पक्की बात है राइट right? सो so, अब से जस्टिस का कोई भी आंसर लिखें डोंट फॉगेट टू मैं ही इज द न्यू कंटेंडर ठीक है ये आप लिखोगे डेफिनेटली और बच्चे नहीं लिखेंगे दैट इज फॉर श्योर ठीक है क्योंकि ये जनरली uh, नहीं पढ़ते हैं लोग ठीक है बट हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के जाएंगे और एक्स्ट्रा ऐसा पढ़ाया कि क्वेश्चन जरूर आएगा डोंट थिंक कि सर आपने बस ऐसे ही पढ़ा दिया है डेफिनेटली सोशल जस्टिस पे क्वेश्चन आ रहा है ठीक है, जस्टिस में पक्का क्वेश्चन आएगा राइट इवन इन द, इन एन आंसर ऑफ इन एन आंसर ऑफ जॉन रॉल्स यू कैन मेंशन दिस यू कैन मेंशन एक दो लाइन में रॉस्यू का इंट्रोडक्शन दिया जा सकता है बुक का नाम याद रखना डिस्कोर्सेस, डिसकोर्सेस ऑन द, ओरिजन, ऑफ इनइलिटीज ठीक है तो ये बुक का नाम भी याद राइट right? सो थैंक यू सो मच गाइस एंड इसको यहीं पर रखते हैं एंड देन रॉसीयू अब हमारा ओवर होता है ठीक है एंड नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग वि जॉन स्टूअर्ट